ऐसे में वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु 2018-19 का बजट पेश करने वाले हैं, लेकिन इस बजट सत्र से पहले कांग्रेस विधायक ललित नागर का क्या कुछ कह रहा है, हमारे संवाददाता राजा पटेल ने उनसे बातचीत की, वो सुनवा रहे हैं आपको। 5 मार्च को हरियाणा का विधानसभा सत्र है जो स्टार्ट होने जा रहा है, कांग्रेस की क्या तैयारी है विधानसभा सत्र को लेकर? हमारे साथ ललित नागर विधायक और कांग्रेस जो कि इस वक्त मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिरकार किस तरीके की तैयारी, क्योंकि तमाम सुर्खियों में रहते हैं विधानसभा में ललित नागर, चाहे किसी की बात करें, चाहे अभी उन्होंने जो मुद्दे उठाए थे मामा की बात करें, तो ललित नागर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आखिरकार किस तरीके की तैयारी ये विधानसभा में कर जा रहे हैं। सर, किस तरीके की तैयारी है, सरकार बजट पेश करने जा रही है, क्या क्या तैयारी करके जा रहे हैं आप? हाँ, 5 मार्च से हरियाणा विधानसभा का सत्र चालू होने जा रहा है और हम कांग्रेसियों की पूरी तैयारी है, जो अब तक की खट्टर भाजपा सरकार की नाकामियां रही हैं उन पे हम उनको घेरेंगे। हम उनसे जवाब मांगेंगे कि आपके 3.5 साल पूरे हो गए हैं, आपने हरियाणा प्रदेश को क्या दिया, क्या किया, क्या हरियाणा के लिए नई चीज लेके आए। हम उनको घेरेंगे और विधानसभा में पूरी तैयारी के साथ हम लोग जा रहे हैं। सर, फरीदाबाद के जो मुद्दे हैं कि किस तरीके से आप लेखा जोखा लेके जा रहे हैं फरीदाबाद का, क्या क्या मुद्दे आपके अहम रहेंगे जो कि आप विधानसभा में उठाने जा रहे हैं? जहां तक फरीदाबाद के मुद्दों की बात है, सबसे बड़ा तो इस बार इशू हमारा होगा ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर EDC IDC जमा है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली, पानी, सीवर, ट्रांसपोर्टेशन, लाइटों की व्यवस्था बिल्कुल नहीं कर पाए। आज 4 वर्ष हो गए इनको कुछ नहीं दे पाए, तो वो हम लोग मुद्दा उठाएंगे। फरीदाबाद कहने को इन लोगों ने कहा कि स्मार्ट सिटी है, यहाँ पे बड़े बड़े कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, बुरा हाल है, पानी भरता है, ना ही फरीदाबाद में कोई विकास कार्य हुआ है। हम इनसे पूछेंगे कि अब तक का जो बजट आया, जो पैसे आए, वो आप लोगों ने कहाँ लगाए, कहाँ खर्च किए, ये भी हम बजट में सवाल रखे जाएंगे। ललित नागर कांग्रेसी विधायक तिगांव जो कि काफी तैयारी करके जा रहे हैं इस बार विधानसभा सत्र में, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी मुद्दे होंगे, चाहे तिगांव विधानसभा की बात करें या फरीदाबाद स्मार्ट सिटी की बात करें, तो जोरों शोरों से उठाएंगे। राजा पटेल, फरीदाबाद, हरियाणा न्यूज।